आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ का जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म है उसी पे हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसके और भी फॉर्म्स हैं लेकिन उन पे बात करने से पहले बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें पता होना होगा जो कि इस लेवल पे हमें पता नहीं है। तो इसीलिए हम बात करेंगे इसके सबसे प्रैक्टिकल और सबसे आसान फॉर्म में, जो कि हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं और जिनके लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में हमें पता है। तो शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो कि था करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक वीडियो, उसमें हमने क्या देखा था। वहां पर हमने ये देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कि मान ले मेटेलिक कोई बॉडी जिसमें कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके कारण उससे करंट फ्लो कर सके, तो एक मेटेलिक बॉडी है, कंडक्टर है, इसे अगर हम बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ अगर जोड़ देते हैं, तो फिर होता यह है कि इसके अंदर चूंकि बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव करने लगते हैं। कैसे मूव करते हैं? जैसे ही हम बैटरी के साथ इसे जोड़ देते हैं तो इसका ये एंड पॉजिटिव पोटेंशियल में आ जाता है, ये एंड नेगेटिव पोटेंशियल में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहां पर इस कंडक्टर में दिखता है, इसके दो एंड्स में। इसके कारण यहां क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होगा, ऑब्वियस ही बात है, यह हमें पता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है फोर्स, हमें पता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होते तो फिर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता इस पे। अब इस केस में चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जगहों पे देखे इस डायरेक्शन में होंगे, लेकिन फोर्स जो लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगने लगे सारे इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जब फोर्स इस पे लगेगा तो चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होता है, तो ये मूव करने लगेंगे। जब ये मूव करेंगे तो जैसे कि हमें पता है करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ये चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है, जहां भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वहीं हम कहते हैं वहां करंट है। तो यहां पर इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्रिएट हो जाएगा एक करंट। अब देखिए करंट जो है कन्वेंशनल करंट, इसे माना जाता है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को, तो अब ये तो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस तरह के करंट को इस डायरेक्शन में जो चार्ज फ्लो कर रहा है नेगेटिव चार्ज, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हो रहा है। उसी के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट को माना जाता है। तो करंट अब इस पे फ्लो करने लगा। क्यों फ्लो किया, कारण क्या है? क्योंकि हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण I करंट फ्लो करने लगा। तो V और I के बीच का जो रिलेशन है वही है ओम्स लॉ। तो अब देखें यहां पर इसे समझने के लिए, V और I के रिलेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सेम कंडक्टर को एक दूसरे ही सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, मतलब दूसरे बैटरी के साथ जोड़ देते हैं जिसका कि वोल्टेज ज्यादा हो। तो यहां पर हमने अब क्या किया, डबल वोल्टेज का बैटरी के साथ हमने इसे जोड़ दिया। अब क्या होगा देखें, यहां पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, हेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ऑब्वियसली ये पिछले केस से ज्यादा होगा। पिछले केस में हमने छोटा बैटरी लगाया था, अब हम बड़ा बैटरी लगा रहे हैं, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते साथ होगा ये कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पिछले केस से ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जैसे ही ये ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेंगे, अब ये ज़्यादा फोर्स लगेगा इस पे। सो ज़्यादा फोर्स लगेगा मतलब ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखें क्या होगा, करंट क्या सेम रहेगा या बदल जाएगा। करंट के डेफिनेशन में हमने देखा था किसी कंडक्टर में अगर करंट की बात करें तो पहले केस में देखें ये क्या होना चाहिए, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शन आप कंसीडर करें, इस क्रॉस सेक्शन को यूनिट टाइम में जितना चार्ज क्रॉस करेगा वही होगा करंट। उसी तरह से इस केस में भी करंट के लिए हम क्या करेंगे, एक
क्रॉस सेक्शन कंसिडर करेंगे, यूनिट टाइम में जितना चार्ज इससे क्रॉस करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज क्रॉस करेगा। दैट मीन इस केस में करंट जो है ये करंट ज्यादा होगा, तो इस करंट को अगर हम आई टू नाम दे देते हैं और यहाँ वोल्टेज जो है बैटरी का ये वी टू है, यहाँ पर इसे आई वन और वी वन कर देते हैं, तो हम ये पाएंगे कि चूंकि V2 जो है ये V1 से बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है करंट जो होगा, यहीं से हम कह सकते हैं कि करंट जो होगा, करंट I2, दूसरे केस में जो करंट है करंट I2, ये I1 से बड़ा होगा, ये I1 से बड़ा होगा। तो अब यहां से देखें कि वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ रहा है, तो वोल्टेज और करंट के बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए। अगर आप और इन डेप्थ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर हम वोल्टेज को डबल कर देते हैं, मान ले कि रिलेशन कुछ ऐसा है, V2 जो है ये V1 का दुगना है, अगर ऐसा होता है तो फिर हम ये पाएंगे कि वोल्टेज डबल करते साथ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल, जो मूवमेंट है उसका वो डबल हो जाएगा, दैट मीन उसका जो स्पीड है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लग सकता है कि एक्सीलरेशन जो है वो डबल होगा, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर जाके ये पता चलेगा कि ये एक्सीलरेटेड नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि ये बार बार एक्सीलरेटेड होता है रुकता है, एक्सीलरेटेड होता है रुकता है, इसीलिए उसका एक एवरेज वेलोसिटी हमें दिखता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होने के कारण जो वेलोसिटी है, जिसे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगा, और वेलोसिटी डबल होने का मतलब है कि करंट जो है वो डबल हो जाएगा। सो इस केस में आप पाएंगे आई टू जो है ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई वन के। तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि वोल्टेज डबल करने से करंट डबल हो रहा, सिमिलरली वोल्टेज को ट्रिपल कर दे तो करंट ट्रिपल हो जाएगा, तो फिर आप कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होंगे। वोल्टेज को डबल कर दे करंट डबल हो जाएगा, वोल्टेज को ट्रिपल कर दे करंट ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है। अगर वोल्टेज को आप 100 गुना या 1000 गुना कर देते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि करंट भी एग्जैक्टली 100 गुना या 1000 गुना बढ़ेगा या बन जाएगा, ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन एक शॉर्ट रेंज के वोल्टेज के लिए आप इस रिलेशन को वैलिड पाएंगे। और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस पे हम आगे बात करेंगे, पहले ही वीडियो पे बहुत ज़्यादा बात कर लेना सही नहीं है, तो उन सारे टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट रेंज के लिए, जैसे कि हमने बात किया, एक छोटा सा रेंज के लिए आप इस रिलेशन को वैलिड पाएंगे कंडक्टर्स के केस में। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वालिटी साइन से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे कि V इज इक्वल टू, अब हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा, उसे हम R से डिनोट करते हैं, तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू आर आई। तो ये है ओम्स लॉ, उसका एक फॉर्म, मोर प्रैक्टिकल फॉर्म। यहाँ पर इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका, रेजिस्टेंस जिस बॉडी से करंट फ्लो कर रहा है उसका, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। यहां पर देखें, वी पोटेंशियल डिफरेंस जिस बॉडी को प्रोवाइड किया गया और आई करंट जिस बॉडी के थ्रू पास कर रहा है, वही बॉडी उसी का रेजिस्टेंस। अब इसका देखें नाम जो है ये रेजिस्टेंस क्यों पड़ा, यहां से आप इस फॉर्मूला से आप ये कंपेयर करके ये समझ सकते हैं कि अगर वोल्टेज को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं तो फिर करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घटेगा। रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दे तो करंट घटेगा, क्योंकि वी को हमने कांस्टेंट रखा है। चलिए प्रैक्टिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझ लेते हैं। दो बॉडीज हैं, दो अलग अलग बॉडीज हैं, दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ, हो सकता है उनका लेंथ अलग हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग हो, दोनों को हमने सेम बैटरी के साथ जोड़ दिया, सेम वोल्टेज के बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये एक बॉडी ये दूसरा बॉडी। तो चूंकि इनका लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और साथ ही साथ इसका जो मटेरियल है वो चूंकि अलग अलग है, तो इस केस में हम ये पाएंगे कि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो ये रेजिस्टेंस अगर R1 है और ये रेजिस्टेंस अगर R2 है, हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों है।
तो यहां पर दोनों को सेम वोल्टेज के बैटरी के साथ जोड़ा गया है, वी और वी। तो पहले केस में करंट, ऑब्वियस सी बात है करंट सेम फ्लो नहीं करेगा दोनों केस में, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है भले ही वोल्टेज सेम हो, तो रेजिस्टेंस अलग अलग होने के कारण करंट सेम फ्लो नहीं करेगा। तो हम मान लेते हैं करंट यहाँ I1 है और इस दूसरे केस में जो करंट है ये I2 है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ओम्स लॉ लगा के पहले फिगर के हिसाब से, V इज इक्वल टू R1 I1 और दूसरे केस में V इज इक्वल टू R2 I2। वोल्टेज देखें सेम है। अब देखिए जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं R2 जो है ये R1 से बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया R2 इज ग्रेटर देन R1। तो आप देखें R2 R1 से बड़ा है और दोनों ही वोल्टेज जो है वो सेम है, दोनों वोल्टेज सेम होने का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को R1 I1 को R2 I2 के बराबर होना होगा। तो अगर R1 R2 से छोटा है, दैट मीन R2 अगर R1 से बड़ा है, तो हम पाएंगे कि ये I1 जो है ये I2 से बड़ा होगा, होना ही है, दोनों प्रोडक्ट को तो सेम रहना है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो करंट जो है ये घट जाएगा, इसीलिए इसका नाम रेजिस्टेंस है। और थोड़ा गौर से सोचें, रेजिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बढ़ने से करंट घटता है, दैट मीन वो क्वांटिटी डिटरमाइन करता है कि करंट कितना रेजिस्टेड हो रहा है, वो बॉडी करंट को कितना रेजिस्ट कर रहा है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसी का नाम चूंकि रेजिस्टेंस है इसीलिए इसका नाम रेजिस्टेंस पड़ा। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ करंट, करंट को वो कितना रेजिस्ट कर रहा है। तो ऐसे हमने देखा कि ओम्स लॉ का ये जो है ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। इसके और भी फॉर्म्स हैं, वो जो दूसरा वाला फॉर्म है वो फॉर्म कुछ ऐसा होता है कि करंट डेंसिटी जो है ये बराबर होता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे देखें करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी ये आपको पता नहीं होगा, इसीलिए इस वीडियो में हम इस पर बात नहीं करेंगे, ये हम आगे के वीडियोस में जाके डिस्कस करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि करंट डेंसिटी क्या है, जब हम ये समझ जाएंगे कि कंडक्टिविटी क्या है, तब जाके हम इस पर बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है ओम्स लॉ का, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्म है ये कुछ ऐसा बनता है कि करंट डेंसिटी जो है ये बराबर होता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जो भी चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी, उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये उसका ज़्यादा या फिर कहें ये एग्जैक्ट फॉर्म होता है ओम्स लॉ का। तो इन सारे चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे, ये इक्वालिटी साइन मुझे नहीं लगाना चाहिए था, तो इन सारे चीज़ों पे हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल तो हम कंसंट्रेट करेंगे इसके मोर प्रैक्टिकल फॉर्म जो कि है ये उस पे। अब यहाँ से आगे छोटा सा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले चलिए ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो SI यूनिट होना चाहिए वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ से ओम्स लॉ से हम ये कह सकते हैं कि R, चूंकि V इज इक्वल टू आई आर है या आर आई है, तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, दैट मीन वोल्टेज जितना प्रोवाइड किया गया डिवाइडेड बाय जितना करंट पास कर रहा है उस बॉडी से। तो अगर SI यूनिट की बात करें सो इन SI इसका जो यूनिट होगा वो होना चाहिए वोल्टेज का डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। सो वोल्टेज का यूनिट या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो कि है वोल्ट, वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट का जो ऐसा यूनिट है जो कि है एम्पियर, एम्पियर। तो आप ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ये है वोल्ट पर एम्पियर, इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम कहते हैं ओम, ओम। और इसे जो सिंबल हम असाइन करते हैं वो सिंबल है कैपिटल ओमेगा। तो अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो मान ले कि एक कंडक्टर है जिसे कि हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, एक बैटरी के साथ हमने इसे जोड़ दिया। कैसा बैटरी है, इसका जो वोल्टेज है ये है 3 वोल्ट का, और हमने देखा कि करंट जो पास कर रहा है ये करंट जो है ये बराबर है 2 एम्पियर का। अब इस बॉडी का जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हमें पता करना होगा। सो इस बॉडी का रेजिस्टेंस ये हम करेंगे पता।
ओम्स लॉ से यहाँ हम कह सकते हैं चूंकि V इज इक्वल टू आई आर, सो यहाँ से आगे चूंकि हमें R का वैल्यू पता करना है, रेजिस्टेंस पता करना है, तो हम यहाँ से आगे ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ये बराबर हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई के। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, V का वैल्यू जो है ये है 3 वोल्ट, सो 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट जो है ये 2 एम्पियर का है, सो 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट पर एम्पियर। और जैसे कि हमने बात किया, ये जो वोल्ट पर एम्पियर है यही, इसी को हम कहते हैं ओम, तो ये होगा 1.5 ओम। उसी तरह से एक और प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बड़ा ही बेसिक चीज़ है ये। सो यहाँ हमने जोड़ दिया इसे बैटरी के साथ, ये मान ले 4 वोल्ट का बैटरी है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये बताया गया, ये कहा गया इसका जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है। हमें ये पता करना होगा कि इसके थ्रू जो करंट है जो पास करेगा वो कितना होगा। सो यहाँ ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि करंट चूँकि पता करेंगे तो करंट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। वैल्यूज पुट करें, V के लिए जो वैल्यू है ये है 4 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस जो है ये 2 ओम का है, ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। सो यहाँ से देखिए वोल्ट और वोल्ट कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर का जो पर एम्पियर है इसे अगर आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा एम्पियर। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और यूनिट के तौर पर बचा है एम्पियर। सो इतना करंट उस बॉडी से फ्लो करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम और भी तरह तरह के मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, इन सारी चीज़ों पे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।